फ्रेंड्स, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक का CSP आईडी लिए हैं और आपको आपके मैसेज में आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, तो आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से लॉगिन करेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर CSE और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आपको ओपन करना है फिनो पेमेंट्स बैंक पोर्टल। तो सिंपली इसको ओपन करके यहाँ पर आपको यूज़र आईडी एंटर करके प्रोसीड करना होगा। उसके बाद टी पिन मांगा जाएगा। टी पिन के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से टी पिन मंगाना होता है, जिसका डिटेल्स हम आगे आपको दे देंगे। टी पिन एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड जो है आपको मैसेज में एक ही साथ मिलता है, तो जो मैसेज में आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे। और टी पिन मंगाना होगा तो टी पिन आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से लिखेंगे, टी पिन TPIN टी पिन लिख के 7022075666 पर आपको सेंड कर देना है। आपके मोबाइल पर टी पिन तुरंत मिल जाएगा, 60 मिनट तक वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मर्चेंट ई एग्रीमेंट डिक्लेरेशन देना होता है। तो सिंपली आप यहाँ पे चार बॉक्स होगा, चारों को टिक करके और यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका फिनो पेमेंट्स बैंक पोर्टल जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू है, इसलिए सही से नहीं आ पा रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अपना नाम वाले पर क्लिक करना है कॉर्नर में, और यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली पासवर्ड चेंज करने के लिए चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी देखने को मिलेगा। उसके बाद ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म न्यू पासवर्ड। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो मैसेज में पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे और न्यू पासवर्ड जो आप अपने मनपसंद का रखना चाहते हैं उसको एंटर करके और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपका पासवर्ड जो है कुछ इस तरह से चेंज होने का प्रोसेस होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो OTP रिसीव्ड होगा सिंपली उसको यहाँ पे एंटर कर देना है चेंज पासवर्ड के लिए। और जैसे ही आप OTP एंटर करके सबमिट करते हैं तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। उससे पहले आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका आंसर आपको देना होगा। ये आपको भविष्य में पासवर्ड रिसेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो आप यहाँ से आप अपना मनपसंद का 3 सीक्रेट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसका जो भी आंसर आप रखना चाहते हैं वो आंसर यहाँ पे एंटर कर देंगे। आंसर में आप अपना नाम एंटर करेंगे तीनों में तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रखना है, आप अपना नाम भी रख सकते हैं तीनों में सेम। तो यहाँ पे पहले आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना अनिवार्य है। तो जैसे आपका 3 क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाता है और आंसर उसका दे देते हैं तो सिंपली आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है 3 क्वेश्चन का, और यहाँ पे सिंपली हम इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 1, 2, 3 टाइप का क्वेश्चन है जो हमारे मन में आया, वो हम इसको सेलेक्ट करके सिंपली इसको आंसर देके ऐड कर दिए हैं। तो सिंपली इसको सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका फिनो पेमेंट्स बैंक CSP पोर्टल से रिलेटेड सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अपना पोर्टल को सिर्फ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और आप अपने CSP के सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की CSE और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहता है। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।